जन्माष्टमी एक उत्सव हुआ, ऐसे उत्सव में बुलाया करो। व्यास पूजा, प्रभुपाद व्यास पूजा भी है नेक्स्ट डे, अंधोत्सव के दिन व्यास पूजा, फिर प्रभुपाद व्यास पूजा। कभी भी जन्म दे सकते थे प्रभुपाद को 365 दिन में से, भगवान ने प्रभुपाद को अपने जन्म के दूसरे ही दिन उनको जन्म दिया। कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए, इट्स नॉट एक्सीडेंट। प्रभुपाद के व्यास पूजा के कुछ दिन बाद फिर गोपाल कृष्ण महाराज का भी बर्थडे होता है, कुछ कनेक्शन होगा, क्लोज कनेक्शन। तो लोग उत्सव में जब आते हैं तो संग मिलता है, सत्संग मिलता है, और श्रील प्रभुपाद कहे कहा करते थे। ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की जो स्थापना प्रभुपाद किए, इसका एक या मुख्य उद्देश्य लोगों को सत्संग प्रदान करना। सो दैट अधिक से अधिक ह्यूमन बीइंग्स को एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्राप्त हो, भक्तों का संग प्राप्त हो। संग जब प्राप्त होता है तो दैट इज अ टर्निंग पॉइंट जीव के लिए, एक नई दिशा, नई दिशा का हो या सही दिशा का हो, जीव को तभी प्राप्त होती है जब सत्संग प्राप्त होता है। इसीलिए कहा भी है, असत्संग त्यागाते वैष्णवाचार। वैष्णव की क्या पहचान है? असत्संग त्यागात यही वैष्णवाचार, ऐसा आचरण करता है वैष्णव, असत्संग को टालता है, असत्संग से दूर रहता है, असत्संग को नमस्कार करके फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आप सब जो कृष्ण के भक्त हो,
बन रहे हो ऐसे, हम है वैसे, बनना मतलब नहीं थे फिर अब बन रहे हैं। जीव जीव तो भगवान का भक्त है ही, एवरी सोल इज अ डिवोटी। वो ट्रम्पेट ट्रम्प जो भक्त बने हैं, भक्त बने हैं तो कहना पड़ता है भक्त बने हैं। उनको प्रयास करना है और उनको भी भक्त बनाने का, इस मार्ग पर ले आने का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे और कर्म ब्राह्मण को भी कहे, प्यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार अज्ञाय गुरु भैया तारे देश, इस देश में, इस प्रदेश में प्यारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण का समाचार फैलाओ, न्यूज, गुड न्यूज, कृष्णा इज हियर, कृष्णा ऐसे है, कृष्णा वैसे है, कृष्णा 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 कृष्ण 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 हे, समा कुछ कहो, कृष्ण ही कह सकते हो ना, हरे कृष्ण कहो, नाचो कुछ, उनको जगाओ कुछ, इनका ध्यान आकृष्ट करो। संसार के चमक दमक से कृष्णा इज अट्रैक्टिव, आप कृष्णा को प्रस्तुत करोगे, कृष्णा एज ही इज, कृष्णा जैसे है वैसे प्रस्तुत करोगे तो निश्चित ही आकर्षित होंगे, यह आकर्षति। सो कृष्ण और रमती रमयती च, आनंद आनंदी आनंद गड़े, जीव के लिए वही आनंद का क्षण होगा, सुख मिलेगा जीव को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों को जब सत्संग मिलेगा तो फिर चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनः अर्जुन, अर्जुन ये अर्जुन सुकृतिन, चतुर्विधा भजन्ते माम, फिर चार प्रकार के लोग तैयार हो जाएंगे। क्या करने वाले? भजन्ते, भगवान का भजन करने वाले लोग तैयार होंगे, किसे? सत्संग प्राप्त होने से। सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, सत्संग दिया नहीं लिया नहीं तो फिर क्या होगा? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, संसार के लोगों का इस प्रकार दो विभाजन है, सारे संसार की जो दो पार्टी है, एक नराधम पार्टी और नरोत्तम पार्टी, एक सुकृति न पार्टी एक दुष्कृति न पार्टी, एक असुर
दूसरे सूर, एक मानव दूसरे दानव। तो ये जो सेग्रीगेशन है, पोलराइजेशन कहते हैं, ये सत्संग से होता है। सत्संग सत्संग जीव को सत्संग सत 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 ओम तत् सत या सत चिदानंद सत सत गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है, भगवान सत्य। तो सत के संपर्क में आते ही वो अलग होंगे। सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए, इनको सार प्राप्त होगा। थोथा को वो फेंक देंगे और फिर लोग बनेंगे सार ग्राही भारवाही। मैं बता रहा था संसार के कुछ लोग भारवाही होते हैं, भार भार मतलब बोझ का वहन करते हैं, गधे बनते हैं। और दूसरे लोग होते हैं सार सार ग्राही, सार सार को ग्रहण करते हैं। इसेंस इसेंस तो है कृष्णा या कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें भी होना चाहिए और लोगों को भी होना चाहिए सार ग्राही, ना कि भारवाही। इसी संसार का कोई बोझ उठा के बोझ बढ़ाते रहते हैं। और ढो रहे हैं हरी हरी, फिर थोड़ी तूफान भी शुरू हुई। एक महिला बूढ़ी कोई बड़ा बोझ लेके चल रही थी, तो हवा आई तूफान थोड़ा जैसा, तो उसके हवा के झोंके के साथ उसका बंडल जो भी था बोझ नीचे गिर गया। प्रार्थना करने लगी, क्या 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 भगवान क्या। तो भगवान आए, मे आई हेल्प यू, कोई सहायता कर सकते हैं, क्यों नहीं, श्योर, ये बोझ उठा के हेल्प मी टू उठा। तो कई सारे लोग वैसे भगवान की मदद चाहते हैं ताकि बोझ बढ़े, सुख संपत्ति घर आवे, ये हो ये हो। तो भारवाही हुए, भारग्राही, सारग्राही। तो सार तो कृष्ण है, सार तो कृष्ण का नाम है। फिर मुक्त हुए, हल्के हुए, मुक्त हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप मैसेंजर बनो, भगवान के दूत बनो, आप बी एम्बेसडर्स। मिशनरीज बनो, पहले एक हमारे इस देश में थे क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज कैसे हो, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हो।
इतने लगन के साथ वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, इसलिए उनका नाम था मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज। यस, हरे कृष्ण मिशनरीज, मिशन मिशन होता है, क्या मिशन, क्या क्या ध्येय, क्या लक्ष्य बना के रखे हो। तो सभी सुखी होना चाहते हैं, और कृष्ण भक्त क्या चाहते हैं कि लोग सुखी ना हो, और कृष्ण भक्त ही जानते सुखी कैसे हो सकता है जीव या मनुष्य, पूरी मानव जात कैसी सुखी हो सकती है। अगर इसको कोई जानता है तो कृष्ण भक्त जानता है, मोर देन अ साइंटिस्ट। मोर देन अ प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री से, व्हाट डू आई नो, मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे क्या पता है। बड़े बड़े जानकार लोग हैं, न्यूटन है, गैलीलियो है, ये है वो है, बड़े सेठ जी साहूकार है, ये नेता है, पुढ़ारी है, पुढ़े अली जैसी ढेरी। तो वैसे आप पुढ़ारी हो, आप नेता हो, सचमुच आपको अधिक ज्ञान है। अब नए भी हो, इवन वन डे ओल्ड भक्ता हो, एक दिन की कृष्ण भावना में हो, आप अधिक जानते हो, संसार के सभी शास्त्रज्ञों से अधिक जानते हो, और किसके किसके जो समाज सुधारक है या तथा कथित कथित राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या इनको संसार का सारा सांसारिक प्राकृतिक सारा ज्ञान है, उनसे आप अधिक जानते हो। प्राकृतिक ज्ञान हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप को ऐसा ज्ञान है जो काम का ज्ञान है। जीव को सुखी होना है, हाँ, इस ज्ञान के साथ जीव सुखी हो सकता है। तो विद्या के दो प्रकार है, पराविद्या अपराविद्या, पराविद्या अपराविद्या। संसार के सारे जो स्कूल्स कॉलेजेस और क्या क्या फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स, बट वेयर इज दैट डिपार्टमेंट। प्रभुपाद बॉस्टन में एक वहाँ के यूनिवर्सिटी में जब प्रभुपाद का बुलाया था, वहाँ के सारे विभाग दिखाए प्रभुपाद को, तो अंत में प्रभुपाद ने कहा कि वेयर इज दैट डिपार्टमेंट, अध्यात्म विद्या विद्या नाम या के अमी, मैं कौन हूँ, ये सिखाने वाला विभाग कहाँ है, वेयर इज दैट डिपार्टमेंट। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, वो डिपार्टमेंट कहाँ है। तो सारे विश्वविद्यालय का था, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, और आके
कुल गुरु नाम भी तो कुल गुरु आजकल भी चलता है, कुल गुरु। सांदीपानी मुनि थे वैसे कुल गुरु उज्जैन में, और वो गुरु थे, वो आचार्य थे, वो। लेकिन भगवान के बारे में जो नहीं जानता है, आत्मा के बारे में नहीं जानता है, वो गुरु है, गुरु नहीं है वो गुरु है। गुरु, गुरु मतलब पशु, बंगाली बंगला में कहते हैं श्री गुरु चरण पदमा। शुरुआत के दिनों में जब गुरु पूजा में विदेश के डिवोटीज गुरु पूजा गुरु पूजा गाते थे, तो मतलब बंगला भाषा के स्टाइल में विदेश के डिवोटी जब गाते तो श्री गुरु चरण पदमा, प्रभात की आरती हो रही है। गुरु चरण नहीं गुरु चरण, प्रभात का आई एम नॉट गुरु। तो कुछ होते हैं गुरु तो कुछ होते हैं गुरु, गु 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 मतलब गु भी होता है, गु खा के इतना तो जो गु होता है ना, तो गुरु मतलब वो गु, ये संसार की जो गंदगी है कचड़ा है गु है गु, उसे जो मुक्त करता है, उसे जो बचाता है गुरु। मतलब ऐसे भारी भी होता है, भारी वजनदार गुरु, उसके विपरीत लघु, लघु मतलब हल्का या हलकट। तो संसार के लोग हलकट भाषा बोलते हैं, हलकट हलकट कहीं का। तो गुरु भारी होते हैं, भगवान की बात करते हैं तो भगवान की बात वजनदार है, भारी है, मूल्यवान है। तो जी हरी, तो आपको थोड़ा भी दिव्य ज्ञान आपने सुना है, श्रवण किया है, प्राप्त किया है, मतलब और सभी सांसारिक बातों के जो शास्त्रज्ञ तथा कथित या सर्वज्ञ भौतिक दृष्टि से जो सर्वज्ञ है उससे आप अधिक जानते हो, क्योंकि उनको कृष्ण है इस बात का पता नहीं, भगवान है भगवान है भगवान है इतना भी पता चला। इवन इफ यू डोंट नो कौन है कैसे है कहाँ है, भगवान है भगवान है भगवान है, आप में श्रद्धा भी जग रही है, मतलब आप अधिक जानते हो। कृष्णा है कृष्णा है, तो कृष्णा है कहने वाले जो लोग हैं उनको आस्तिक कहते हैं, आस्तिक, अस्ति 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 मतलब है संस्कृत में, अस्ति मतलब है, और अस्ति 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 हो है वो है कहने वाले जो है उनको कहते अस्तिक। न अस्ति न अस्ति नहीं आए नहीं आए नहीं आया, कहा है दिखाओ हु हैज सीन, तो फिर वो नास्तिक पार्टी हो गई। तो ये दो पार्टी है, पहले भी कह दी ये पार्टी, दानव मानव सुर असुर भारवाही और सार ग्राही, तो ये भी पार्टी हो गई। फिर संसार का विभाजन दो पार्टी दो पक्षों में, एक आस्तिक पार्टी
एक नास्तिक पार्टी, भगवान है भगवान नहीं है। भगवान है तो है ही, भगवान है तो है ही, मन्यन्ते सब भगवान मन्यन्ते माम अबुद्धया। केवल कुछ लोगों के मान्यता है, लोगों ने मान लिया कि भगवान नहीं है या भगवान है तो निराकार, ये मन्यन्ते सब भगवान, ऐसा लोगों ने मान के बैठे हैं। लेकिन सच क्या है? अस्ति वो है और सर उनका रूप है, नाम है, गुण है, लीला है, अस्ति। तो कोई है भी कह रहा है उसको बहुत कुछ अधिक पता चला है नास्तिक लोगों से। तो आपको जितना ही पता है, पता चला है उतना ही सही है कहो, है कहो, है कौन है? कृष्णा है, कृष्णा है कहो। हाँ, वो कैसे है मैं नहीं जानता, लेकिन इनसे पूछो अधिक जानकारी चाहिए इनके पास पहुँचो, हम ले जाते हैं आपको, ये बताएंगे आगे की बात, ये बताएंगे। लेकिन है ये तो बात पक्की, फिर उनका नाम ये है, ये नाम है, ये रूप है, ये उनके गुण है, ये उनकी लीला है, ये इनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। करो नमस्कार, परम भाई नमस्कार करो। ये भगवान ने कहा है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं? भगवान ने जो कहा, प्रभुपाद एक समय कहे वी फॉलो 4 regulative principles, चार नियमों का पालन करते हैं। और फिर प्रभुपाद कहे 4 regulative principles, मन मना, एक भव मद भक्ता, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मध्याजी मेरी आराधना करो, आम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। एक समय प्रभुपाद कहे इट्स नॉर्मली 4 regulative principles, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये चलता है चार नियम। लेकिन एक बार 4 regulative principles, चार नियम है। हम कभी जिस दिन संन्यास दिए प्रभुपाद, तो हमने भी कहा कि प्रभुपाद कुछ विशेष आदेश हमारे लिए, तो उस दिन भी हम तीन सन्यासी बने थे, बस उसे दंड लेके प्रभुपाद के कमरे में भी गए थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि बस चार बातें हैं, फिर प्रभुपाद ने रिपीट किया मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, बस इतना करो। और फिर प्रभुपाद ये भी कहे विदाउट डुप्लिसिटी, कहे प्रभुपाद पर्पजली कहे ये चार कार्य करो विदाउट डुप्लिसिटी, बिना पाखंड से ये चार कार्य करो, फिर तुम्हारा प्रचार का कार्य सफल, तुम्हारा जीवन सफल, ऐसा प्रभुपाद। दैट वेरी डे 75 दिसंबर में जिस दिन संन्यास हुआ, तो दीक्षा के उपरांत प्रभुपाद प्रवचन में नहीं, प्रवचन भी दिए दीक्षा समारोह में, लेकिन बाद में प्रभुपाद के क्वार्टर में मिलने गए, तो प्रभुपाद ने
सन्यासियों को कहा कि ये तुम चार कार्य करो, मन मना हो मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। तो इसी के साथ भगवान कहे इतना इतना करोगे सत्यम ते मुझे प्राप्त होंगे। तुम हर जगह माम 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 मत मत कहे हा? मन मना मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो और मुझे नमस्कार करो कहने के बाद फिर पुनः भगवान ने माम कहा, और केवल माम ही नहीं कहा, माम एव ही भी कहा, माम एव मुझे ही, और सर्टनली मुझे ही प्राप्त होंगे। एष्यसी माम एष्यसी मतलब मुझे प्राप्त होंगे। सत्यम भगवान को कहने की जरूरत नहीं ली थी, लेकिन सत्यम ते ये बात सत्य है। प्रतिजाने भगवान ने बहुत कुछ कहा, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, आई प्रॉमिस यू, बस तुम ये चार कार्य करो, मन मना भव मद भक्तो, मुझे प्राप्त होंगे, मुझे ही प्राप्त होंगे। और ये बात सत्य है भगवान ने कहा, प्रतिजाने प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। और ये सब कह क्यों कह रहा हूं, प्रिय प्रिय असि, तुम मुझे प्रिय हो। वहां तो अर्जुन से कह रहे थे भगवान, लेकिन हमें नहीं समझना चाहिए कि भगवान का प्रेम केवल अर्जुन से ही है। वहां तो भगवान सभी जीवों को संबोधित कर रहे हैं। भगवद गीता का जो प्रवचन है कहाँ तो जा रहा है अर्जुन को, लेकिन भगवान के ऑडियंस जो है, जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है या कोई लिखता है तो, या इवन कहने या लिखने के पहले वो सोचता है कि मेरा ऑडियंस कौन है, या कोई कुकीज़ भी बनाता है, व्हाटएवर वी डू, हम लोग सोचते हैं इसका ऑडियंस कौन है, ये किसके लिए मैं कह रहा हूँ, किसके लिए मैं लिख रहा हूँ, किसके लिए ये कर रहा हूँ। भगवान जब यहाँ बोल रहे थे, ये श्री भगवान वाच भगवत गीता, तो भगवान का लक्ष्य है सारे जीव, और टारगेट केवल अर्जुन की, अर्जुन तो प्रत्यक्ष वहाँ है लेकिन लक्ष्य तो संसार के सारे जीव है। या कभी कभी लेखी बोले सुने लागे भी होता है, लेखी बोले सुने लागे, समझे नहीं समझे असल मराठी भाई मौसम फिर समझ सकता है, लेकिन बोले सुने लागे। यहाँ घर में जब नई बहू आती है तो उसको कुछ सिखाना है, समझाना है, सुधारना है, तो वो सुधारने की बात सास तब कहती है जब उसकी लेख उसकी पुत्री और बहू एक साथ में वहाँ है सामने, तो वह इतना ही नहीं समझते हो
पुत्री को कहती है, लेकिन वो होता है बहू के लिए संदेश होता है, फिर बहू समझ जाती है नई बहू है तो शायद डांट फटकार उसको हजम नहीं होगा, या तो पुत्री को डांटती है, पुत्री को तो लेकी बोले सुने लागे, बोल रही है पुत्री को, लेकिन वो संदेश होता है बहू के लिए होता है, ऐसा नहीं करना ऐसा करना, ये जो तो यहाँ पर भी अर्जुन है, पुत्री कहो या पुत्र, हम सब और जो जीव है बहु बहुत लोग जो है बहुतों के लिए, बहु जन सुखाय बहु जन हिताय, भगवान ने गीता का संदेश सुनाया। तो चैतन्य महाप्रभु कहे भी जारे राखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश मतलब क्या है? भगवत गीता त्यारे राखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश मतलब भगवत गीता। तो भगवान जो कहे है वो कहो, वो सत्य है कहो। फिर कहते कहते फिर अपने शब्दों में कहो, प्रभुपाद कहा करते थे, वो संस्कृत में भी नहीं कह सकते या भाषांतर एज इट इज भी नहीं कह सकते, मतलब भाव तो वही रखना होगा लेकिन उन्हीं शब्दों का उपयोग भी नहीं कर सकते, तो अपने शब्दों में अब जैसे समझे हो तो कहो। लोगों को या संसार को कृष्ण चाहिए, जॉर्ज हैरिसन ने भी कहा पीपल आर लुकिंग फॉर गॉड, एवरी सिंगल पर्सन इज लुकिंग फॉर गॉड, सभी भगवान की खोज में, पता नहीं है किसको खोज रहे हैं, उनकी खोज भगवान के लिए। तो आप उनकी मदद करो, आप भी खोज रहे थे तो आप पाए हो, यू सीक एंड यू विल फाइंड, ऐसे बात में यू सीक एंड यू विल फाइंड, सो यू आर ऑल्सो सीकर्स ऑफ द ट्रूथ। आपको अभी आप पाए हो, भगवान को पाए हो, पता चला भगवान का, या आपकी मदद की किसी ने, और किसी ने मदद की आपको भगवान को खोजने में, भगवत प्राप्ति में। अब आपकी बारी है, आप औरों की सहायता करो, उनको एड्रेस दो, भगवान का एड्रेस, दिस इज एड्रेस ऑफ कृष्णा, या भगवान का टेलीफोन नंबर भी दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इतना तो करना आप सब, तो देखो आप जहाँ हो स्थाने स्थिता, ऐसा भी कहा भागवत में, जहाँ हो वही रहो, संन्यास बाद में लो लेकिन लेना चाहिए एक समय, सभी को, स्त्रियों को भी संन्यास,
काम्यानाम न्यासम, कामना का त्याग को संन्यास कहते हैं। और ऐसा संन्यास लिए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती है, भगवत धाम में प्रवेश नहीं होता। तो हर जीव को काम्यानाम न्यासम तो करना होगा, काम्यानाम न्यासम संन्यासम। 18वें अध्याय में भगवान ने ये संक्षिप्त ऐसा परिभाषा डेफिनेशन दिया हुआ। तो चार आश्रम वाली उसमें जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, वो संन्यास का भी उल्लेख है, लेकिन और भी उल्लेख है जो सभी जीवों के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। फिर वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, काम्यानाम न्यासम करना ही होगा। काम्यानाम न्यासम वैसे तभी होगा जब प्रेम प्राप्ति होगी, तो काम को त्यागेंगे हम। और वो प्रेम है जो प्रेम भगवान चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण ही आके दिए, वो कृष्ण प्रेम है ये नाम संकीर्तन। तो जिनको ये प्राप्त होगा प्रेम, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रेम और महामंत्र के ध्यान से, ध्यान पूर्वक नाम करने से, फिर डिपॉजिट होंगे, फिक्स डिपॉजिट बढ़ेगा हमारा। कृष्ण प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, या प्रेम प्राप्ति मतलब ही कृष्ण प्राप्ति है। प्रेम कोई इम्पर्सनल चीज़ नहीं है, थैली भर के दिया ये ले लो 10 किलो प्रेम, हाँ कृष्ण प्रेम, लव। हम जो भी करते हैं उसका प्राप्ति क्या है, कृष्ण प्रेम। हम लोग केवल डिवोशन नहीं कहते, डिवोशनल सर्विस हम लोग कहते हैं। केवल भाव नहीं, भाव भक्ति पूर्वक की हुई सेवा प्रेम, मतलब कृष्ण प्रेम। तो ऐसा करो, अ सिंपल लिविंग रखो, डो नॉट ट्राई टू कम्पीट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो संसार चूहे के दौड़ में फंसा है, वो रेस उसमें ज्वाइन नहीं करना है। नो कॉम्पिटिशन भक्तों के साथ, वो आगे कैसे बढ़ रहा है कृष्ण भावना में, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। ये ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कंपटीशन, इस मंदिर ने इतने ग्रंथों का वितरण किया, हम भी करेंगे, उनसे अधिक करेंगे इस कंपटीशन। हमने ऐसी जन्माष्टमी मनाए, हम भी मनाएंगे। ईर्ष्या द्वेष को त्याग के, द्वंद्वातीतो विमत्सर, द्वंद्व से अतीत, संसार का जो द्वंद्व है, लाभ हानि का जो द्वंद्व है, कई प्रकार के द्वंद्व, द्वंद्वातीतो विमत्सर, मत्सर से रहित, मत्सर रहित बन के कंपटीशन। I will be the first one to catch Krishna. कृष्ण बुक में प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा भागवत में भी है, कृष्ण कई आगे हैं और कुछ बालक गाल बाल पेंदे मंडली पीछे छूट गई।
तो फिर आई विल बी द फर्स्ट वन टू कैच कृष्णा, अहम पूर्वम, मैं पहले, तो दौड़ना शुरू करते हैं, देखते कौन पहले कैच करता है, कृष्ण के पास पहुंचता है, दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। तो संसार के साथ कॉम्पिटिशन हमें नहीं करनी है, संसार के लोगों के साथ या सांसारिक पड़ोसियों के साथ कंपटीशन, या घर वालों के, ये भाई ने ये कमाया, इतना मंजिल वाला मकान बनाया, मैं और एक एडिशनल फ्लोर होगा मेरा, एक ने तो 14 मंजिल वाला, एक व्यक्ति ने अपने लिए 14 मंजिल वाला मकान बनाया, आपको पता होगा शायद मलबार हिल, मलबार हिल, अंबानी, तो 14 भुवन होते हैं ना संसार 14 भुवनों का होता है, तो उसने शायद पता लगवाया, उसने अपने 14 मंजिल वाला घर मकान बनाया। फिर ऐसा भी होता है, तो हुआ, देन दे गो टू हेल। कल एक मैं प्रवचन सुन रहा था, इस खान के साधु ही कह रहे थे, ऐसा मकान बनाया, ऐसा मकान बनाया, इतना प्यार उस मकान के साथ, आई लव यू मकान। यार लोग तो सभी से प्रेम करते हैं, कुत्ते से प्रेम करते हैं, गाड़ी से प्रेम करते हैं, इससे प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेम बांटते रहते हैं, लाइक फ्री कुकीज, ऐसे बांटते रहते हैं प्रेम, ले लो। इतना प्रयास करके मकान बनाया, फिर प्रेम हुआ, प्रेम होता है, जब मर जाता है वो, फिर उसी मकान में चूहा बन के आ जाता है, इतना आसक्त था उस घर से, तो ओके उसी घर में रहो, लेकिन आप कैसे रहो, चूहे बन के रहो। तो क्या लाभ, इतना बड़ा मकान तो बना लिया, ये तो छोड़ना तो पड़ेगा ना, ऐसी व्यवस्था है संसार में। हाँ, मेरा है, मेरा है, मेरा है, फिर प्रभुपाद कहते थे प्रूव इट, तुम अगर उसको साथ में ले जाओगे तो तुमने सिद्ध करके दिखाया कि ये मेरा है, नहीं ले जाओगे तो बात तो सत्य है, तुम्हारा था ही नहीं, झूठा अहम चल रहा था। तो कोई ले गया अभी तक पुणे में? कोई ना तो ले गया है, ना तो ले जाएगा भविष्य में, तो यही का है, तुम्हारा है नहीं, ये सब चलता रहता है। कोई घर जल रहा था तो बूढ़े ने कहे जाओ जाओ, घर जल रहा है, आग लग गई, आग लग गई घर। कितने बेटे ने कहा पिताजी वो घर हमने बेच दिया। फिर पिताजी कहने जलने दो। फिर जलने दो। वो प्रॉपर्टी डीलर था, उसने कई घर खरीदता था, बेचता था, तो बेचा था बूढ़े को, बाबा को पता नहीं था, तो बेटे ने जब बताया कि वो बेच दिया, फिर जलने दो। ऐसा है संसार का हिसाब,
पर दुखी सुखी, पर दुखे सुखी, औरों का दुख हमारे सुख का कारण बनता है। पर सुखे पर दुखे, हरे कृष्ण। तो आप सब सत्य का प्रचार करो और आप पता है, आपको पता चला है क्या सत्य है। युवकों को प्रचार करो, यूथ प्रीचिंग, गृहस्थों को प्रचार करो, कॉन्ग्रिगेशनल प्रीचिंग, भक्ति वृक्ष भी अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अधिक अधिक भक्ति वृक्ष चलाओ, यूथ प्रीचिंग, एक नया बेस भी खुल गया, वॉइस वॉइस कहते हैं, योगा, तो हमारे अमल पुराण कई सारे योगा, कई योगा तो कई वॉइस तो कई बेस तो कई चला रहे हैं। है गृहस्थ लेकिन सर बिग प्रीचर कृष्ण भावना को फैला रहे हैं, किसी के साथ धर्म संस्थापनार्थाय प्रचार का कार्य, मतलब भगवान का कार्य है। भगवान प्रकट होके क्या करते हैं, धर्म संस्थापनार्थ धर्म की स्थापना करते हैं। आप प्रचार करके क्या करते हो, धर्म की स्थापना करते हो। और फिर वैसे आचार आचार भी तो होना ही चाहिए, आचार विचार प्रचार, ऐसा क्रम है। लोग आचरण करते हैं, आचरण करते हैं कि हम प्रचार को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं। श्रवण किया, सुना सुना सुना, फिर सुन के उन विचारों का मंथन हुआ, चर्निंग चर्निंग विचार मंथन, फिर सार सार जो प्राप्त हुआ, कृष्ण प्राप्त हुए, जब दही का मंथन होता है ना, दही के मंथन के साथ से क्या होता है, फिर माखन मिलता है, माखन। तो दूध का सार वैसे क्या है, मक्खन, द बटर, दूध का सार, द सेंस ऑफ द मिल्क, इसका योगर्ट बना के फिर प्राप्त होता है। और कृष्ण को भी क्या पसंद रहता था, मैया मोही माखन भावई कहते, मैया मुझे माखन दिया करो ना, माखन, इसलिए माखन छोड़ तो गायों को चराते और फिर उनके परिश्रम का फल उनको माखन के रूप में मिलता था, प्राप्त करते थे। तो जब माखन दही का मंथन करके जब माखन बन जाता है, जो दूध और दही का सार है, एक बार माखन बन गया तो फिर वो दूध दही छाछ के ऊपर तैरता है, फिर हम भी जब विचारों का मंथन करते हैं, मंथन करके जो सार जो है उसका सार को ग्रहण करते हैं, तो फिर हम संसार के ऊपर तैरते हैं, फिर डूबते हैं नहीं, उस माखन का फिर गोला बनाते हैं, लोन्या सा गोला, उसको नीचे दबाने का प्रयास, दब तो जाएगा लेकिन अपने प्रेशर हटाते ही ऊपर आ जाता, फिर वो संसार के साथ घुल मिलता नहीं है, संसार से अलग हुआ, जो सार है संसार के ऊपर
छाछ के ऊपर, तैरता है कि नहीं लोनी माखन। तो आचार, फिर विचार, विचारों का मंथन, फिर प्रचार। तो प्रचार के कई प्रकार है। हम कहते हैं जारे दाखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, लेकिन कृष्ण उपदेश सब कृष्ण उपदेश ही है। हम प्रसाद बांट के भी प्रचार करते हैं, प्रसाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कृष्ण प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार है। इट्स अ बिग प्रीचिंग। ग्रंथ वितरण बहुत बड़ा प्रचार है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार है। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करो, बड़े बड़े उत्सव का आयोजन करो और लोगों को इकट्ठा करो। जन्माष्टमी है और उत्सव है, तो बिग प्रीचिंग प्रचार। युवकों के लिए सेमिनार रखो, कॉलेज में जाके प्रचार करो युवकों को। फिर जो इंटरेस्टेड है उनको इकट्ठा करके कुछ 6 डे सेशन करो या 3 डे भगवद गीता कोर्स कराओ, करो करो या कराओ। वैसे प्रचार दोनों भी है, दोनों प्रचार ही है। कोई सीधा प्रचार कर रहा है और कोई प्रचार के लिए या प्रचारकों की सहायता कर रहा है। सेम फ्रंट पर डोकलम क्या वहाँ कोई बंदूक चला रहा है, तो जो गोली है उसका अम्यूनिशन भी तो चाहिए। फैक्ट्री से कोई पहुंचा रहा है, आर्मी को भी मेंटेनेंस है, आर्मी रन्स ऑन देयर बेलीज। उनका जो सैनिक है उनको खिलाओ और कोई सहायता करो उनकी, ताकि वो बंदूक चलाते रहेंगे, गोली चलाते रहेंगे। तो कोई सीधे प्रचार कर रहे हैं तो कोई उनको असिस्ट कर रहे हैं उनकी, या फैसिलिटेटिंग प्रीचिंग। ये दोनों भी एक ही पार्टी है, एक ही टीम है। हम स्वयं माइक्रोफोन पर बोल नहीं सकते, तो कोई माइक्रोफोन की व्यवस्था कर सकता है। फिर आप बोलो, हाँ माइक्रोफोन लाया मैंने, मंच बनाया। स्टेज बनाया, इनविटेशन भेजे, लोगों को इकट्ठा किया, अब आप प्रचार करो, आप बोलो, आप दोनों की भी आवश्यकता है। सभी तो स्पोक्स पर्सन नहीं होते, या कुछ ऑडियंस के लिए कोई फिट होते हैं, दूसरा कोई ऑडियंस है, या पब्लिक रिलेशंस भी है, गवर्नमेंट रिलेशंस है, तो सबके बस का वो रोग नहीं होता। या तभी कॉम्पिटेंट या एक्सपर्ट, तो ऑडियंस कौन सा है उसके अनुसार फिर अलग अलग वक्त प्रचार करेंगे। या मंदिर का पुजारी केवल भगवान की सेवा नहीं करता, लेकिन जो रसोई बनाते हैं भगवान किचन में, वे भी विग्रह की आराधना कर रहे हैं। फिर उस बर्तन को मांजने का
सेवा है, वो भी तो विग्रह आराधना है। मंदिर मार्जनादौ श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन, किसी ने श्रृंगार किया, किसी ने महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत, कोई कीर्तन ही कर रहा है। कीर्तन मंडली में अलग अलग रोल होते हैं, लेकिन सारा मिलके कीर्तन संकीर्तन। हमारे मूवमेंट को कहते हैं संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन आंदोलन। तो हर एक का अलग अलग सेवा है, भूमिका है, और सारा टीम एफर्ट। फिर जो सुनाई देता जो है मधुर गान, फिर मधुर गान के पीछे कई सारे अलग अलग, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई किसी ने पहले माइक्रोफोन लाया, किसी ने क्या किया है। ओके, तो आगे बोलो, अभी हम कभी पैक एंड गो तैयारी करनी है। चालू हो रहा है।